जैन साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रोफेशनल उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से पॉलिटी का पार्ट टू। इसके अंतर्गत हम संविधान सभा से सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि आपके आगामी एग्जाम्स उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी और इसके अतिरिक्त अन्य सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए जो है ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो देखेंगे यहां पर संविधान सभा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर वन है, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर हम इस वीडियो में करने वाले हैं ताकि कम से कम समय में अधिक से अधिक रिवीजन हमारा हो सके। तो देखेंगे यहां पर ऑप्शन ए महात्मा गांधी प्रश्न के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू है, 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो दोस्तों प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी एमएन रॉय के द्वारा जो है संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया गया था। देखिए दोस्तों हमारी जो लूसेंट जी के प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है बहुत ही महत्वपूर्ण है। लूसेंट बुक से जो है परीक्षा का आपका जो सिलेबस रहता है वो ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? तो दोस्तों संविधान सभा को जो मूर्त रूप प्रदान किया था यह किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। क्वेश्चन फाइव, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखेंगे 1936 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 1936 ईस्वी में। क्वेश्चन सिक्स है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की जो है मांग की गई थी। क्वेश्चन सेवन है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो दोस्तों ऑप्शन ए क्रिप्स योजना राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, क्रिप्स योजना। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर एट, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो दोस्तों कैबिनेट मिशन प्लान 1946 जो है भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार था। तो ऑप्शन बी प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा। चलिए देखेंगे क्वेश्चन 10, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है भारत की संविधान सभा को गठित किया गया था। अगला प्रश्न है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फैजपुर में। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारत संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो दोस्तों कुल 389 सदस्य जो है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में होने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो दोस्तों क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहां पर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी कि ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि तथा मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि। ठीक है, ये सभी जो है सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, 208 प्रतिनिधि। क्वेश्चन 15 है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई?
तो दोस्तों 299, ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 299 सदस्य। क्वेश्चन 16 है, संविधान सभा के में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो दोस्तों देशी रियासतों के प्रतिनिधि की यदि बात की जाए तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 70 प्रतिनिधि। क्वेश्चन 17, पुनर्गठन संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो दोस्तों ऑप्शन बी 229 प्रतिनिधि। देखिएगा यहां पर पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 229 प्रतिनिधि थे। क्वेश्चन नंबर 18 है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितने जनसंख्या के अनुपात में था? तो दोस्तों महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, याद रखिएगा ऑप्शन बी 1,00,000 व्यक्ति, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 19 है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो दोस्तों प्रांतों की विधानसभा के द्वारा जो है संविधान सभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था। क्वेश्चन 20 है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो दोस्तों संयुक्त प्रांत का जो प्रतिनिधित्व है संविधान सभा में सर्वाधिक था। क्वेश्चन 21, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा यहां पर ऑप्शन सी हैदराबाद, ठीक है। हैदराबाद की जो रियासत थी दोस्तों इसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। क्वेश्चन 22 है, बीआर अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था? दोस्तों परीक्षा में बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल से जो है बीआर अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। क्वेश्चन 23, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो दोस्तों मुस्लिम लीग जो है मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, इसलिए जो उसने संविधान सभा का बहिष्कार किया, इसलिए ऑप्शन सी प्रश्न के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 24 है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी वर्गीय मताधिकार के आधार पर। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे? तो दोस्तों ऑप्शन बी, ठीक है, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, ठीक है, संविधान सभा के जो सदस्य प्रतिनिधि थे ये जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे। क्वेश्चन 26 है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, तो दोस्तों यहां पर देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 26 का ऑप्शन बी, ठीक है, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा जो है ये चुनी गई थी। एक बार फिर देखेंगे, भारतीय संविधान निर्मात्री जो सभा थी दोस्तों ये प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। क्वेश्चन 27 है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो दोस्तों राइट आंसर होगा संविधान सभा ने। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो दोस्तों 1946 में जो है संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो दोस्तों याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ? तो दोस्तों प्रथम अधिवेशन की बात करें तो यह हुआ था दिल्ली में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 31, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा जो है संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा यहां पर ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा का पहला सत्र संपन्न हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। क्वेश्चन 34 है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों स्थायी अध्यक्ष की यदि बात की जाए तो राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 35 है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो जैसे कि हमने पूर्व प्रश्न में भी देखा था, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? अब देखिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन डी, ठीक है।
वेनेगल नरसिंह राय जो है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों बार बार ये प्रश्न हमने देख चुके हैं इसे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे और सच्चिदानंद सिन्हा जी जो है अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। क्वेश्चन 38 है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो देखिएगा प्रश्न का राइट आंसर होगा यहां पर ऑप्शन सी, ठीक है, एच बेग जो है संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितने समितियां नियुक्त की थी? तो दोस्तों संविधान सभा के द्वारा 13 समितियां जो है नियुक्त की गई थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 40, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? तो दोस्तों ऑप्शन सी 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों याद रखिएगा डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों कुल सदस्यों की संख्या यदि बात की जाए तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रारूप समिति का सदस्य कौन नहीं था? चलिए देखेंगे, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी या गोपाल स्वामी अयंगर। तो दोस्तों ऑप्शन ए, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जो है प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो दोस्तों क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहां पर ऑप्शन डी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो दोस्तों सहमति और समायोजना, ठीक है, सहमति और समायोजना के आधार पर जो है संविधान सभा में सभी निर्णय लिए गए थे। क्वेश्चन 47, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। दोस्तों इस वीडियो में हम संविधान सभा से सभी ऑल इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है देखने वाले हैं, तो वीडियो पर बने रहिएगा। चलिए क्वेश्चन 49 है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था तो देखिए दोस्तों यहां पर संविधान सभा के द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा या भारतीय संसद द्वारा, किसके द्वारा जो है भारतीय संविधान को अपनाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन ए, ठीक है, संविधान सभा के द्वारा जो है भारतीय संविधान को अपनाया गया था। कमेंट करके बताइएगा कि भारतीय संविधान को जो है कब अंगीकृत किया गया या कब अस्तित्व में आया। चलिए क्वेश्चन 50 है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित कब किया गया? तो दोस्तों प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन बी, ठीक है, बी जो है यहां पर राइट आंसर होगा, जनवरी यानी 22 जनवरी 1947 को भारत को एक संविधान सभा संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 51, संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था? दोस्तों कब ग्रहण किया गया था यह हमें बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा जुलाई 1947 में। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार कब किया? तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन डी, 22 जुलाई 1947 में। क्वेश्चन 54 है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? तो दोस्तों 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान सभा के द्वारा संविधान को अंतिम रूप से पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली?
तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार करेक्ट आंसर होगा यहां पर ऑप्शन सी, 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा अंतिम रूप से आखिरी बार मिली, या इसे कह सकते हैं कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो दोस्तों 284 सदस्यों ने, ठीक है, 284 सदस्यों ने जो है संविधान सभा में संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो दोस्तों 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां जो है संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो दोस्तों बात करेंगे कुल जो समय जो लगा था संविधान निर्माण में, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन बी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का जो है समय लगा था संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को। चलिए क्वेश्चन 59 है, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोस्तों राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित सदस्य। अगला प्रश्न है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वराज पार्टी ने 1924 में जो है सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। देखेंगे क्वेश्चन 62 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो चलिए देखेंगे यहां पर, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। तो देखेंगे दोस्तों ऑप्शन ए यहां पर जो है बिल्कुल सही कथन है, तो ऑप्शन ए प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 63 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? चलिए देखेंगे, संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया, बिल्कुल सही है दोस्तों। देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया, बिल्कुल गलत कथन है। संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता था, बिल्कुल गलत है। चौथा देखेंगे यहां पर, सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए, ये बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इस प्रकार से कूट 4, ठीक है, यहां पर देखिएगा कूट डी 1 और 4 जो है यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी, किसने की थी? दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी, बार बार ये प्रश्न रिपीट हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिएगा भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीआर अंबेडकर को, ठीक है, बीआर अंबेडकर को जो है भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जो है इनके सदस्य नहीं थे। अब देखिए संविधान पांडुलेखन समिति के सदस्य कौन कौन थे, मोहम्मद सादुल्ला, ए के अय्यर और के एम मुंस, ये तीनों जो है क्या थे, इसके सदस्य थे। चलिए क्वेश्चन 67 है, भारत का संविधान लागू कब हुआ? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950 को जो है भारत का संविधान लागू हुआ था। क्वेश्चन 68 है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि? तो देखिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन ए, ठीक है, क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो दोस्तों महिला सदस्यों की कुल संख्या 15 थी, ठीक है, याद रखिएगा 15 महिलाएं। तो दोस्तों उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट के लिए ये हमारी महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है जो कि लूसेंट जी के ऑब्जेक्टिव बुक से है। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, मिलेंगे जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।